एचआई न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। अयोध्या राम मंदिर बनाने की खुशी में हो रहे मंदिरों में कार्यक्रम सजे मंदिर के दरबार। इस कोरोना काल में जहां पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा है, वहीं कई वर्षों से चल रहा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य जो लगातार विरोध में रहा, वहीं आज शाम रामलला के मंदिर निर्माण की पहली ईंट देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रखी। कई वर्षों से अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश इंतजार में था। कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। राम मंदिर बनाने को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां भी विरोध करती दिखी, पर आज सारे विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए और वर्षों का इंतजार खुशी लेकर आया है। आखिरकार अयोध्या राम मंदिर बनाने को लेकर पूरा देश जश्न मना रहा है। कई मंदिरों में कीर्तन भजन चल रहे हैं, राम मंदिरों में दरबार सजाया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमान जी के दर्शन कर राम दरबार पहुंचे, फिर मंदिर निर्माण स्थल पहुंचकर मंदिर की नींव रखी। वहीं इस खुशी में शहडोल जिले के बुढ़ार में बने राम मंदिर जानकी मंदिर में मंदिर को सजाया गया। मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया जा रहा है, पूरा राम दरबार को सजाया गया। वहीं कई संगठन भी राम मंदिर बनाने की खुशी में मिठाइयां बांटते दिखे। वहीं मंदिर के पुजारी बालक दास जी महाराज ने कहा कि इस मंदिर को लेकर पूरा देश 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, जो आज पूरा हुआ। जी पंडित जी बताएं, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। राम बालक दास जी। मेरा नाम जी महंत राम बालक दास। ये आप कौन से मंदिर में पुजारी हैं? राम जानकी मंदिर बुढ़ार। बुढ़ार में पंडित जी बताएं, आज का जो दिन है वो पूरे भारत वर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास वाला दिन है, और जो कि आज का जो दिन है तो काफी वर्षों बाद ऐसा माहौल आया है ना, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बताएं? ये है कि 500 साल से जी ठाकुर जी जो है जी बंधन में थे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा प्रेरणा हुई कि वो जो है हमारे श्री मोदी जी ने सबके सहयोग से, सबसे मिलके, सब पालियों को सहयोग लेकर के आज ठाकुर जी को बाहर कर दिया। आज उसका शिलान्यास उनके हाथों कर कमलों द्वारा होना है। हमारे राम जन्मभूमि के अध्यक्ष श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जिनकी प्रेरणा से आज भी उनकी बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर जी का जो है दिव्य स्थान बने, वो दिव्यता पूर्वक एक कार हो। सब तन मन धन से, सब पूरा भारत वर्ष नहीं पूरा देश लगा हुआ है जी जी। वो आज यही कार्यक्रम का समय आ गया है कि देखे ठाकुर जी की इच्छा से ही, हनुमान जी की प्रेरणा से, और हनुमान जी तो महाराज जी के सेवक हैं जी, ठाकुर जी के, तो उनकी प्रेरणा से सबका मन एक करके और एक कार आज पूर्ण होने जा रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि संत महात्माओं की बड़ी इच्छा थी कि जो कि ये कार पूर्ण बुद्धि से और अच्छे प्रेम भाव से और सबके तन मन धन से एक आज पूरे देश में देख के भजन कीर्तन और दीपकों का प्रज्वलन करना और सबके मन को सबके प्रेम से सब एकार हो रहा है जी। और पंडित जी बताएं, आज इस मंदिर में कुछ स्पेशल जैसे दिया? राम जानकी मंदिर में जी अभी 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ हुआ जी, जो कि अभी समापन हुआ जी, और कुछ कीर्तन हुआ, ये मंदिर में कार्यक्रम हुआ। शाम को वो कुछ लोग कह रहे हैं जीने के लिए, तो कुछ करेंगे कार्यक्रम, कुछ ना कुछ होगा। क्या नाम बताया पंडित जी? नाम क्या बताया अपना? मेरा महंत राम बालक दास। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।